तो नमस्ते दुष्यंत भैया, आप एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ में फैकल्टी मेंबर है, और उसी के साथ में भैया यहाँ पे जो स्कूल कॉलेज में जो वैल्यू एजुकेशन सेल है उसके कोऑर्डिनेटर भी है। भैया ने उनका फर्स्ट यूएचवी वर्कशॉप में 2018 में किया था, और हाल ही में भैया ने अभी UHV 4 का वर्कशॉप भी अटेंड किया हुआ है, और भैया एक दूसरी बार मॉर्निंग सेशन को अटेंड कर रहे हैं। भैया UHV कंटेंट को मतलब समझने का और जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें भैया की कमिटमेंट भी ये है कि वो लखनऊ टीम जो है उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, और उनके जिस कॉलेज में भैया भी मतलब कार्य कर रहे हैं वहाँ पे भी भैया वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। भैया के साथ में दीदी भी आज की शेयरिंग रखेगी, और दीदी प्राइवेट स्कूल टीचर है, तो आप दोनों का भी स्वागत है भैया। और भी जी भैया, तो मैं दुष्यंत श्रीवास्तव, सर ने मेरा परिचय तो रख ही दिया है। मैं इस यूएचवी में 2018 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो इस जर्नी की स्टार्ट करने पर इसके कंटेंट से जब मेरा परिचय हुआ तो ये कंटेंट काफी अच्छा लगा। इसके पहले मुझे लगता रहता था कि बहुत सारी परिवार में भी समस्याएं हैं, बहुत सारी समाज में भी बहुत सारी समस्याएं हैं और इनका कोई हल नहीं दिखाई देता था। लेकिन जब इस कंटेंट से जुड़ा तो लगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समस्याएं तो हैं लेकिन समाधानित करने के लिए पहले अपने आप को समाधानित होकर सही सही अगर मैं अपनी भागीदारी करता रहूं तो मैं कम से कम अपने में आराम में आ पाता हूँ। तो इसमें जब सेकेंड मॉर्निंग सेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने इसमें ज्वाइन किया, तो तब से लगातार बहुत बार लगातार जुड़ा रहता था। पहले कोरोना के टाइम में बहुत सारा टाइम था, तब बहुत सारा कंटिन्यूटी में लगातार जुड़ा रहता था। इसके बाद अभी भी जुड़ा रहता हूँ। तो इसमें जो अभ्यास एक है, अभी बीच में IIT कानपुर भी गए थे तो वहां पर बहुत ही अच्छे से और इनकी अभ्यास कुमार संभव भैया, भानु भैया, इन सब लोगों ने करवाया तो और ही अच्छा लगा। लेकिन लगातार सुबह के मॉर्निंग सेशन में भी इनकी अच्छी समझ बन रही है। तो अभ्यास एक को अगर देखने जाते हैं तो अभ्यास एक में मैं अपनी कल्पनाशीलता को देख पाता हूँ, कल्पनाशीलता को देख पाता हूँ उसमें उसके पीछे क्या भाव चल रहा है इसको भी बहुत बार देख पाता हूँ, कभी कभी नहीं भी देख पाता हूँ। और जब जब ये भाव जो सही सहज भाव है जब चल रहे होते हैं तो मैं बहुत आराम में रहता हूँ। और इन भावों की निरंतरता बनी रहती है तब आराम में रहते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं रहता। बीच बीच में बहुत सारा ऐसे भाव भी चलते हैं जो सहज स्वीकृत नहीं है, तो मैं देख पाता हूँ कि मैं परेशान हो जाता हूँ। और इस बात की एकदम क्लियरिटी बन गई है कि जो भी मेरे अंदर भाव चल रहा है उस भाव को, जो भी मेरे अंदर कल्पनाशीलता चल रही है उस सब के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। और उसके कारण मैं जो परेशान होता हूँ या प्रसन्न रहता हूँ तो उन सब की जिम्मेदारी मेरी खुद ही। और इस सब के साथ मैं लगातार जब भी मौका मिलता कॉलेज में तो जब मैं आराम में बैठकर अपनी कल्पनाशीलता को देखता रहता हूँ या बस में ट्रेवल कर रहा होता हूँ उस समय देखता रहता हूँ, तो इस जितना टाइम भी मिलता रहता है तो उसमें मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं देखूँ कि इस क्षण मेरे कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है। तो मैं आराम से देख पाता हूँ, मोस्टली टाइम ठीक रहता है लेकिन देख पाता हूँ। जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं देख रहा होता हूँ कि मेरी कल्पनाशीलता में ऐसी ऐसे भाव चल रहे हैं जो मुझे सहज स्वीकार नहीं है। जैसे कभी कभी किसी बात को लेकर कि ये काम कंप्लीट होगा कि नहीं होगा तो भय के भाव से, किसी और इनसिक्योरिटी की फीलिंग जब फील करता हूँ तब भी मुझे लगता है कि हाँ तब मैं परेशान होता हूँ। लेकिन जैसे ही दिखाई दे पाता है कि ये ठीक नहीं है, ये तो सहज भाव नहीं है, तो उसको और समझ पाता हूँ। तो स्टेप 5 तक मैं अच्छे से देख पाता हूँ।
और संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व का भाव ही सह स्वीकार है, इस बात की लगातार एक्सप्लोर करता रहता हूँ और संबंध पूर्वक ही रहने का प्रयास करता हूँ। जब मैं क्लास में जाता हूँ तो क्लास में भी संबंध पूर्वक रहने पर आराम में रहता हूँ और 2-3 क्लास आराम से लेने पर भी थकान नहीं होती है अगर संबंध पूर्वक ले रहा हूँ। लेकिन जब भी भाव में अपोजिशन की फीलिंग आएगी या कुछ और आता है तो देख पाता हूँ कि उसमें ज्यादा कंट्राडिक्शन डेवलप होता है, तब कल्पनाशीलता में भी मैं आराम में नहीं रह पाता हूँ। तो ये तो दिखाई देता है कि संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व का भाव ही सह स्वीकार है और यही हमारी मूल आवश्यकता है। और इसको सुनिश्चित करने के लिए लगातार मैं अपनी सह स्वीकृति को कोशिश करता हूँ, देखता रहता हूँ, अपने सही भाव कल्पनाशीलता को देखने की कोशिश में लगा रहता। तो यहाँ इस भाव के साथ इसके लिए मैं पुराने वीडियोस इन सारी चीजों को जब भी मुझे लगता है कि कुछ कम पड़ रहा है तो मैं इनको देखता रहता हूँ, सुनता हूँ, पुराने रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, तो उनसे काफी अच्छा होता है। लगभग 2 से 3 घंटे आराम से इस पर मैं काम कर लेता हूँ। और अभ्यास एक्सरसाइज 2 में मैं देख पाता हूँ कि मैं हूँ, मेरा शरीर है और यह दोनों ही अलग अलग वास्तविकताएं हैं, लेकिन ये पूरी तरह हमेशा स्पष्ट नहीं रहता है। ये तार्किक रूप से बहुत सारा स्पष्ट है पर अभी भी मैं लगातार बार बार ध्यान देता हूँ लेकिन स्पष्ट पूरी तरह दिख नहीं पाता है। हाँ, ये जरूर दिख पाता है कि मैं और मेरे शरीर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा हूँ और ये आदान प्रदान में जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो मैं दे रहा हूँ और शरीर को संकेत दे रहा हूँ और शरीर से आने वाली संवेदनाओं को मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो स्टेप 4 तक मैं देख पाता हूँ और स्टेप 5 में ये भी देख पाता हूँ कि बाहर की परिस्थिति है उससे कुछ संवेदना आ रही है और उस संवेदना को मैं पढ़ रहा हूँ, उसको अर्थ भी दे रहा हूँ और जब सही अर्थ दे पाता हूँ, समझ के आधार पर अर्थ दे पाता हूँ तो आराम में रहता हूँ। जब इसके अन्यथा अर्थ देता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि परेशान भी होता हूँ। तो यहाँ तक मैं देख पाता हूँ और ये जिम्मेदारी पूर्वक जब भी मैं ध्यान देता हूँ कि भाई जैसे चाहे अपने खाना खा रहा हूँ तो उसमें देख पाता हूँ कि अगर मैं खाने को स्वास्थ्य के लिए ध्यान खा रहा हूँ, सही से खा रहा हूँ, स्वाद के लिए उससे सुख नहीं ले रहा हूँ तो ठीक है। तो आराम से पहले मैं बहुत ही ध्यान देता था कि नहीं, खाना स्वादिष्ट ही होना चाहिए और अगर उसमें जरा भी दिक्कत होती थी तो मुझे लगता था, इरिटेट होने लगता था। अब भी ऐसा नहीं कि स्वाद से ध्यान नहीं देता हूँ लेकिन अब ये देख पाता हूँ कि ठीक है, पूरी कोशिश की शाम बनाने की, फिर भी अगर इसमें कुछ हो गई तो उसमें जो भी कमी है उसको ठीक किया जा सकता है, इसमें कोई भी इरिटेशन की बात नहीं। तो ये बहुत ही मैं उपकार मानता हूँ UHV का कि लगातार वो हमारे अंदर सही समझ के विकास में लगी हुई है, लगा हुआ हूँ इस कंटेंट के साथ और मेरा होना शून्य के सहस्तित्व बना है, मैं निरंतर क्रियाशील हूँ। इस स्टेप को मैं केवल सूचना के रूप में ही देखता हूँ लेकिन इसको लगातार तार्किक रूप से एनालिसिस करता हूँ लेकिन अभी भी ये अनुभव मैं कर नहीं पाया हूँ। तो ये जो समझ है अभ्यास 1 और 2 के बीच में जो मैं बन पाई है ये मैं देख पाया और इसमें सुख स्वभाव है, इस बात की तो स्पष्टता बन गई है कि ये सुख जो है वो मेरा स्वभाव ही है। और ये जो ये सुनिश्चित करने की जो कि सही समझ और सही भाव से ही सुनिश्चित होगा। और लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कि हर समय ये समझ रहते हुए भी बहुत सारी बाहर की परिस्थितियों से मैं देख पाता हूँ कि प्रभावित होता हूँ, लेकिन जब जब मैं ये फिर देख पाता हूँ कि नहीं, ये तो जो बाहर की परिस्थिति है वो तो सूचना मात्र है लेकिन जो उसका अर्थ देकर मैं परेशान हो रहा हूँ या जो भी है वो मैं स्वयं से ही हो रहा हूँ, तो फिर आराम में आ पाता हूँ। और इस को समझने के अर्थ में मैंने सबसे पहले परिवार में मैंने इस बात का शेयरिंग की अपने छोटे भाई से, छोटे भाइयों से,
तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि हाँ ये जो है अच्छा है। फिर दो भाइयों ने ध्यान से उसको पूरा कोशिश की और उन वीडियोज को भी पढ़ा, यूएचबी की उस मॉर्निंग सेशन में भी जुड़े, और देख पाया हूँ कि उनमें भी बहुत ही अच्छा, हम लोग आपस में जब भी चर्चा करते हैं तो उनके इन्हीं पर सब फिर चर्चा करके बेहतर कोशिश में लगे रहते हैं कि अपनी कल्पनाशीलता को समझ पाए। तो हम चार भाई हैं, माता पिता है, मेरा बेटा है, और परिवार अच्छे से सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। तो इन सब के साथ मेरी पत्नी भी जब ये वीडियो चलते रहते थे जो मॉर्निंग सेशंस के, तो वो भी सुनती रहती थी, तो उनको भी लगा कि ये बात तो ठीक है, तो उन्होंने भी इस बार ज्वाइन किया। और उन्होंने इसको ज्वाइन करने के साथ अपना कोशिश की समझने की, तब तो ये वही इस पे, तो इस प्रकार से इसमें हम देख पाते कि संपूर्ण परिवार जहाँ ने इसको कोशिश की है कि समझे और उस पर सहमति बनी है, और लगातार हम एक दूसरे के साथ उसमें एक्सप्लोर करते रहते, को एक्सप्लोर करने में लगे रहते। और अभी जो मेरा कमिटमेंट है वो मैं देख पाता हूँ कि कॉलेज में जितनी भी वैल्यू एजुकेशन की एक्टिविटीज 2018 के बाद मैं और मेरे साथी और लोग, मनीष सर थे, टंडन सर हैं, ये सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एजुकेशन की जो एक्टिविटीज हैं स्टूडेंट के साथ करवा पाए। तो उनमें इंडक्शन का प्रोग्राम करवाते हैं और अच्छे से सारे जगह जितने भी हमारे यहाँ सेक्शंस हैं उन सब सेक्शंस में सारे लोग मिलकर ये कोशिश करते हैं, जिसको भी जरूरत है तो सारे नोट्स देना, पीपीटीज देना, डिस्कशन करना, कोई डाउट होना, तो इन सब में मैं कॉलेज में लगातार एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता हूँ। और जो लखनऊ की टीम है उसमें अनिल भैया, गौरव भैया और मोहित भैया, मनीषा दीदी, इन सब की संपर्क में रहकर जो भी मुझे काम के लिए कहा जाता है उसमें मैं अपना पूरा सहयोग देने की कोशिश करता हूँ। घर की पारिवारिक थोड़ी सी जिम्मेदारियों कारण और कॉलेज में व्यस्त रहने के कारण बहुत सारी वॉलंटियरिंग अभी नहीं कर पाता हूँ। इस बार मेरा बेटा इंटर में है तो उसके लिए भी लगा रहता हूँ, लेकिन इन सब के साथ फिर भी मैं देख पाता हूँ कि इस कंटेंट और इस एक्सरसाइज से अपने को समानित पा, पूरी यूएचबी टीम के प्रति कृतज्ञता। सभी को नमस्ते। सुप्रभात, आप सभी को मेरे नमस्ते जी। मेरा नाम संतोष सक्सेना है और मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले यूएचपी का जो परिचय वो मुझे मिला था 2019 में, जब कानपुर में आईआईटी में वर्कशॉप चल रही थी, तो मैं 2 दिनों के लिए वहां पर गई थी और उस समय मुझे संस्थान जाने का भी अवसर मिला था। वहां पे मैंने काफी जो चर्चाएं होती थी तो उनसे मैं परिचित हुई। उसके बाद लगातार हमारे घर में मॉर्निंग सेशन चलता है तो मॉर्निंग सेशन को मैं सुनती रहती हूँ। तो इस बार मैंने मॉर्निंग सेशन जो है पहली बार ज्वाइन किया है, लेकिन सुनती मैं हमेशा ही रहती हूँ जब भी चलता है। तो मैं देखती हूँ जहाँ तक कि आज जैसे बताया जाता है यहाँ पर कि अभ्यास एक में क्या हमें समझ में आया है, तो अभ्यास एक की बात अगर मैं करती हूँ तो स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना, तो स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने के अंतर्गत मैं देखती हूँ कि मैं अपने अंदर चल रहे जो भाव हैं, विचार हैं, उनको मैं देख पाती हूँ। और जब भी मैं इन भाव विचारों को देख पाती हूँ तो जो भी मेरे अंदर किसी के व्यवहार के प्रति या किसी भी परिस्थिति के प्रति अगर कुछ कष्ट हो रहा होता है तो मैं उसको समझ पाती हूँ कि हाँ ये मेरे विचारों के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि मैं उनसे प्रभावित हो जा रही हूँ। अगर मैं उनको प्रभावित नहीं हो रही हूँ या कम समय के लिए उनको प्रभावित होती हूँ तो फिर वो उतनी देर तक मुझको प्रभावित नहीं कर पाते हैं, तो मुझे उनके लिए कष्ट नहीं हो पाता। तो मैं मानती हूँ कि हाँ अगर हम अपने भाव विचारों को देख सकते हैं तो हम अपने सुख दुख को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी सुख दुख के लिए मैं खुद से जिम्मेदार हो पाती हूँ
और मैं अपने दुख को सुख में परिवर्तित कर पाती हूँ, ना कि दूसरों से उसके लिए दूसरों पे निर्भर करती हूँ कि उनका व्यवहार अच्छा है या उनके लिए। हम जो है इस तरह सोचते हैं कि हमारा जो है कष्ट का कारण जो है वो कोई दूसरा हो सकता है। तो इस तरह से जब हम अपने भावों को देख पाते हैं तो हमारे जो निर्णय लेने का आधार है वो भी हम समझ के आधार पे अपने निर्णय को ले पाते हैं। वैसे हमेशा हम अपने निर्णयों को मान्यता के आधार पर ही लेते थे, लेकिन जब अब कभी भी हम किसी भी वक्त जब अपने भावों को देख रहे होते हैं उस समय हम जो है अपने निर्णय को समझ के आधार पर ले पाते हैं। जहां तक संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व का जो भाव है तो वो मुझे स्वीकार है। संबंध जो है वो सबसे ही मुझे लगता है इसमें जरूरी है, क्योंकि संबंध के बिना जो है वो अस्तित्व जो है वो नहीं संभव होता है। और व्यवस्था प्रत्येक ही जगह व्यवस्था जो है वो जरूरी होती है। व्यवस्था के बिना हमारी प्रगति भी नहीं संभव हो सकती है। तो व्यवस्था और संबंध और उसके साथ ही सह अस्तित्व जो है वो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इसी के साथ जो अभ्यास 2 जो है, तो अभ्यास 2 में दिया गया है कि मैं यानी चैतन्य और शरीर के बीच होने वाला आदान प्रदान। तो जब भी हम देखते हैं तो हम ये तो पाते हैं कि हमारे चैतन्य में और शरीर में दो अलग-अलग चीजें हैं। यानी कि चैतन्य जो है अगर हम सोचते हैं तो चैतन्य अलग है और शरीर थोड़ा अलग है, लेकिन ऐसे हमें नहीं महसूस होता। जब हम उसको एक देखने की कोशिश कर रहे होते हैं तब हमें ये बात महसूस हो पाती है। जैसे कि अगर मेरे पैर में दर्द है तो अब मैं सोच रही हूँ कि पैर में बहुत दर्द है, मैं नहीं चल पा रही हूँ, लेकिन अगर मैं ये सोचती हूँ कि हाँ मैं थोड़ा शांत मन से रहती हूँ और मैं इसको कम फील करूंगी, थोड़ा मैं सोचूंगी नहीं ये दर्द ठीक हो रहा है धीरे धीरे, तो फिर वो जो शरीर के जो कष्ट है मैं ये नहीं कह रही कि वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ मुझे वो फील जरूर कम होता है, मुझसे उससे उतना कष्ट नहीं महसूस होता है। तो यहाँ तक मैं जब इस तरह से देख पाती हूँ तो मुझे लगता है हाँ मैं और शरीर जो है वो दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और जो मैं है वो शरीर को कहीं ना कहीं बताता है, कोई भी चीज जो है वो उसको बता रहा होता है। और इस तरह से बाहरी परिस्थितियों का अगर देखूं तो मेरे शरीर पर या मेरी जीवन पर बाहरी परिस्थितियों का हम सभी पर प्रभाव होता है, लेकिन बाहरी परिस्थिति का प्रभाव जो है वो कितना हो और कितने समय तक हम में बना रहे, यानी जब कोई भी बाहरी परिस्थिति आ गई तो हमें उसका किस तरह से हम उसको अपने से देखते हैं, यानी कितने लंबे समय तक उसके प्रभाव में बने रहते हैं या फिर उसको कम कर देते हैं। तो ये हमारा बाहरी परिस्थिति के प्रति जो है वो भी हमारे भाव देखने पर निर्भर करता है कि हम बाहरी परिस्थिति को किस भाव से देखते हैं। तो अभी तक मैं सारे स्टेप्स को तो स्टेप वाइज तो मैं नहीं इतना देख पाती, हाँ साधारण तौर पर समझ पाती हूँ चीजों को। दूसरा है सुख स्वभाव है या प्रभाव, तो इसके बारे में मानती हूँ कि सुख स्वभाव है, लेकिन हाँ हम प्रभाव के अंतर्गत ही इसको महसूस करते हैं, यानी कि हम बाहरी चीजों से प्रभावित होते रहते हैं और उसी के अंतर्गत हम सुखी या दुखी होते हैं। हाँ जब कभी हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि हाँ हम प्रभाव के अंतर्गत हो रहे हैं सुखी या हम किसी के कहने से दुखी हो गए, तो उसी क्षण फिर हमारा वो भाव बदल जाता है और हमें तुरंत ही महसूस हो जाती है ये बात कि हाँ नहीं स्वभाव तो हमारा जो है वो सुखी होने का है, हम तो प्रभावित होकर दुखी हुए हैं। तो इस तरह से सुख स्वभाव के रूप में ही दिखता है, और इसके लिए लगातार हम जो है अपनी समझ पे काम करते हैं। कमिटमेंट के रूप में मैं यही कहती हूँ कि मैं अपनी समझ के लिए ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो लगाना चाहती हूँ, और जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं अपने को समझने के लिए वक्त लगाती हूँ। तो यही मेरा शेयरिंग है अभी यार, और इतनी मेरी अभी थोड़ी समझ बनी है। तो इसी के साथ
मैं अपनी शेयरिंग को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी। धन्यवाद। जी दीदी, धन्यवाद। दोनों की शेयरिंग बहुत ही सुंदर रही। अभी मैं गोपाल बाबू भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वो दीदी और भैया की शेयरिंग के बारे में गाइड करें। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते दुष्यंत भैया, दीदी नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। तो एक परिवार की शेयरिंग को सुनना मैं काफी अच्छा लगता है। जी और भैया, जी भैया, और मैंने कल इंग्लिश शेयरिंग में भी ये बात रखी थी, फिर से यहाँ पर थोड़ी सी बात रख देता हूँ कि परिवार को देखेंगे तो परिवार में अगर सभी लोग इस प्रोसेस में हैं तो कम से कम लक्ष्य कॉमन हो जाता है, फिर हम एक लक्ष्य के साथ काम कर रहे होते हैं और हम जो तृप्ति पूर्वक जीना चाहते हैं निरंतरता में, उसके लिए परिवार के सभी मेंबर जब काम करने लगते हैं तो कम से कम दिशा एक हो जाती है। फिर जी उस दिशा एक होने से हम में जो अप डाउन होते रहते हैं फिर हम एक दूसरे का उस पर ध्यान दिला सकते हैं। तो जैसे दुष्यंत भैया ने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारी चीजें अभी सूचना के रूप में दिखती हैं, तार्किक दिखती हैं, लॉजिकली हम उसको स्वीकार लेते हैं, लेकिन उसको देख पाना हो जा रहा है ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। वो एक प्रोसेस के तहत ही हो रहा है। अभी पहले चरण में देखेंगे तो हमको सूचनाएं मिलती हैं, फिर हम लॉजिकली उसको कन्विंस होने की कोशिश करते हैं। जब एक लेवल पर लॉजिकली हमको स्वीकार होने लगती है तो हमको दिखता है अब लॉजिक से स्वीकार तो हो गया है लेकिन जीने में तृप्ति नहीं हो पा रही है। फिर हमारा ध्यान वास्तविकता को देखने पर जाता है कि जो लॉजिकली हमको एक्सेप्ट हुआ है क्या वो ऐसा है भी। फिर जब हम उसको वैसा देख लेते हैं एज इट इज, तब हमारा जीने में तृप्ति वाला जो भाग है ये इंश्योर होता है। तो देखना एक महत्वपूर्ण बात है और देर सवेर तो हम सबको देखना ही है, क्योंकि तभी हम अपने जीवन में जो तृप्ति पूर्वक जीना चाहते हैं उसकी निरंतरता इंश्योर कर पाएंगे। जी परिवार भैया, के रूप में देखेंगे तो दो चीजें हो रही हैं, एक तो इंडिविजुअली हम काम कर रहे हैं अपने ऊपर वास्तविकता को देखने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा परस्परता में हम जी रहे हैं। जब अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो अपने भाव विचार संस्कार इनको देखने का काम कर रहे हैं, तो मेरे विचार और भाव में भी क्या चल रहा है इसको मैं देख सकता हूँ, इतनी क्षमता है मेरे में उसको मैं देख सकता हूँ, देख के अपने संस्कारों को सही से आकलन कर सकता हूँ ना, आकलन करके अपने भाव विचार फिर से स्थिर कर सकता हूँ, इतनी क्षमता है हमें। तो ये काम हम सब इंडिविजुअली कर रहे हैं भले हम एक परिवार में हो, और इतना हम सबको इंडिविजुअली ही करना है। लेकिन जब परस्परता में जीने जा रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो हमको सहज स्वीकार तो होता है विश्वास का भाव, लेकिन जब जीने जाते हैं तो वो भाव के साथ हम प्रस्तुत हुए कि नहीं हुए इसमें परिवार के दूसरे मेंबर हेल्पफुल हो सकते हैं, तो वो हमारा ध्यान दिला सकते हैं कि अभी स्थिरता है कि नहीं है। तो इस तरह से देखेंगे तो हम लोग एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, और जब परिवार में ऐसा वातावरण बन जाए कि सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो इस प्रोसेस में गति और भी हो सकती है, क्योंकि हम सबको पता रहता है कि ये प्रोसेस में समय लगता है ना। तो कभी आप अच्छा फील कर रहे होंगे, कभी दीदी अच्छा फील कर रही होंगी, तो जब दीदी डाउन फील कर रही होंगी तो आप उनका ध्यान दिला सकते हैं, जब आप डाउन फील कर रहे हैं तो दीदी आपका ध्यान दिला सकती हैं। तो परिवार के रूप में चलने में ये एक एडवांटेज रहता है। तो अच्छा जी है भैया भैया, कि आप जो है पूरे परिवार के साथ लगे हुए हैं, और दीदी की बात सुन के भी लग रहा है कि दीदी भी काफी ध्यान दे रही है, और एक दूसरे जी के पूरक होके चलेंगे तो जल्द ही हम लोग एज ए परिवार इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, और बाकी परिवारों के लिए है ना एक वातावरण भी क्रिएट कर पाएंगे, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पहले से ही वो वातावरण उपलब्ध होगा जिसमें उसका ध्यान इस वास्तविकता पर जाएगा और वो अपने संस्कारों को देखने में सक्षम भी हो पाएंगे आगे जाकर। जी भैया, जी, मुझे इतने ही कहना था भैया, थैंक यू, है ना, जी शुभकामनाएं पूरे परिवार को आपके।
धन्यवाद भैया, धन्यवाद, धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद जी भैया। शर्मिला दीदी, आप कुछ बात करें। जी नमस्ते दुष्यंत जी और संतोष जी, बहुत नमस्ते अच्छा दी। लगा आप दोनों की पारिवारिक शेयरिंग सुन के। दुष्यंत जी थोड़ा लंबे समय से जुड़े हैं, आप संतोष जी अभी शायद रिसेंटली मुझे समझ में आया कि आप मॉर्निंग सेशन से जुड़े हैं। जी संतोष जी आपने UHV 1 या 2 के वर्कशॉप्स करे हैं क्या? जी मैंने वर्कशॉप नहीं किए हैं मैम, मैंने सिर्फ ये मॉर्निंग सेशन सुने हैं या कभी कभी वीडियोस देखे हैं। तो क्या है ना कि ये पूरी बात जी एक सेंटेंस जैसे, एक वाक्य जैसे है, तो जी उसको पूरा एंड टू एंड सुनेंगे तो बहुत अच्छे से और क्लैरिटी बनेगी। और आपको जी जो मॉर्निंग सेशन में जो हम कर रहे हैं देखने का काम, उसमें जी सहायता भी होगी। तो जी मेरे आपसे आपके लिए सुझाव ये होगा कि जी वर्कशॉप होती रहती हैं इंग्लिश में हिंदी में, तो अगर जी आप कंफर्टेबल है हिंदी की वर्कशॉप करें, कोई भी रजिस्टर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का ही एक भाग हों, तो आप जी जब चाहें उसको उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। किसी भी वॉलंटियर से, यशवंत जी से, किसी से भी संपर्क करेंगे तो वो हो सकता है, तो उसको जरूर करें। मैं कहूँगी कि जी उससे आपको सहायता मिलेगी और आगे की जो यात्रा है, जो अपने अंदर देखने का काम है, वो और अच्छे से हो पाएगा इसके बेसिस पे। ठीक है ये जी बात? मैं जी अभी ये वर्कशॉप के लिए ज्वाइन करने के लिए दिया है, जो अभी होने वाली है, कल हाँ हाँ से जो होनी है शुरू। हाँ आप यशवंत जी से संपर्क कर लें, इसके बाद वो जी पूरी जी डिटेल्स आपको मिल दीदी, जाएगी। मैं आपको कॉल करता हूँ दीदी। और जी इनफैक्ट अभी अच्छा है कि कंटिन्यूअसली 4 इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप होने जा रहे हैं, तो आप में से किसी एक को ज्वाइन कर सकते हैं। जी मैं आपसे बात करता हूँ दीदी। जी जी एक तो ये बात मुझे कहनी थी। बाकी जी दुष्यंत जी आप अच्छे से अपने अंदर काम कर रहे हैं और आपके व्यवहार में भी चेंजेस आए ही होंगे, जबकि जी तभी जी आपके जो पत्नी हैं वो भी ना देख पाई, और आपके जो भाई हैं उनको भी आप जोड़ सके। तो सभी के लिए मैं कहूंगी ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अपने अंदर देखने का काम और समझ बढ़ाने का काम। तो आप दोनों बहुत अच्छे से, परिवार पूरा लग रहा है इसमें, तो बहुत बढ़िया बात है। गोपाल भैया ने ऑलरेडी ना बात कह दी है पूरी, मैं बस जी यही जी जोड़ना चाह रही थी। और आपको बहुत बहुत आगे के लिए शुभकामना। जी धन्यवाद।